बंगाल के कांथी रैली में पीएम मोदी की ओंकार, हर तरफ एक ही आवाज, 2 मई दे दी गई। कांथी रैली में बोले पीएम मोदी, कहा बंगाल से आज असल परिवर्तन की जरूरत है, 2 मई को असल परिवर्तन आएगा इस बार। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार पर बोला हमला, कहा दीदी के तोलाबाजों ने बंगाल को लूट लिया, बच्चा बच्चा दीदी का खेल समझ चुका है। दीदी, और दीदी आपने खेला खेला, हमारा सेवा करबो। ममता सरकार पर किसानों के खाते में केंद्र के पैसे रोकने का भी आरोप लगाया, कहा किसानों के खातों में 3 साल का पैसा देकर रहूंगा। कट, कमीशन और टोलाबाजी के कल्चर से मुक्त करने का समय आ गया है। यहां हिंसा, बम, बंदूक उसी के धमाके सुनाई दे रहे हैं और दीदी सरकार सिर्फ। ममता सरकार पर किसानों के खातों में केंद्र के पैसा को रोकने का आरोप भी लगाया, कहा किसानों के खातों में 3 साल का पैसा देकर के रहूंगा। पीएम मोदी ने कहा जीएमसी का खेल खत्म होगा, विकास का खेल शुरू होगा। ममता सरकार पर तंज कसते हुए पीएम ने कहा कि टीएमसी के पाप का घड़ा भर चुका है, बंगाल की जनता टीएमसी को सजा देगी। अरे दीदी, ये तृणमूल के पाप का घड़ा भर चुका है। पीएम मोदी ने कहा बंगाल का विकास बीजेपी का संकल्प, डबल इंजन की सरकार से बंगाल का विकास होगा। कांथी जनसभा में शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी भी शामिल हुए, हाल ही में टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए शिशिर अधिकारी। कैलाश विजयवर्गीय ने जी मीडिया से खास बातचीत की, कहा बंगाल में बीजेपी को मिलेंगी 200 से ज्यादा सीटें। बांकुड़ा की रैली में सीपीएम और बीजेपी पर भड़के ममता बनर्जी, कहा बंगाल में बीजेपी को हाथ पकड़ करके ले आई है सीपीएम दीदी, शिशिर अधिकारी को भी बताया मिर्जाफर। हिंदुस्तान से बोली नुसरत, जहां बंगाल में टीएमसी दोबारा बनाएगी सरकार, दीदी की अगुवाई में बनेगी टीएमसी की सरकार। बंगाल चुनाव में सीएम योगी से दीदी को लगा डर, टीएमसी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख करके लगाई गुहार। यूपी आर्म्ड फोर्स की 30 कंपनियों की तैनाती से घबराई दीदी, टीएमसी ने योगी पर चुनाव प्रभावित करने की आशंका जाहिर की है। केरल के कोटायम रैली में अमित शाह का सरकार पर जोरदार हमला, कहा एलडीएफ सरकार ने केरल को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। एलडीएफ यूडीएफ की सरकारों ने केरल को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का काम। रैली से पहले अमित शाह ने रोड शो किया, रोड शो में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। असम में भी आज पीएम मोदी की 2 रैलियां हैं, बिहपुरिया और सीपाझार में जनसभा को करेंगे संबोधित। परमवीर सिंह की अर्जी पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, अब बॉम्बे हाईकोर्ट जाएंगे पूर्व पुलिस कमिश्नर। परमवीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरोप गंभीर है लेकिन पहले हाईकोर्ट जाए। महाराष्ट्र वसूली मामले पर सियासत तेज, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी नेता, ज्ञापन भी सौंपा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बीजेपी ने उद्धव सरकार पर बोला हमला, कहा सीएम उद्धव का मौन सबसे ज्यादा चिंताजनक है, पूरे मामले में सीएम ने क्या कार्रवाई की। बीजेपी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर भी निशाना साधा, कहा पवार ने गृहमंत्री अनिल देशमुख को बचाने का काम किया है। बीजेपी ने उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस सरकार में जरा भी नैतिकता नहीं है, रैकेट में शामिल लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एपीआई रियाजुद्दीन काजी का भी तबादला, इंटीरिया केस में रियाजुद्दीन से एनआईए कर चुकी है पूछताछ। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर ट्रांसफर रैकेट चलाने का आरोप लगाया, कहा एजेंट के जरिए चल रहा है ये रैकेट। किसानों को फिर भड़काने में जुटे राकेश, शिकायत किया ट्वीट, दिल्ली में फिर घुसना होगा, बैरिकेड तोड़ना होगा। लाउडस्पीकर पर अजान से अब योगी के मंत्री परेशान है, मंत्री आनंद शुक्ला ने डीएम को लिखा पत्र, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग। अजान से मंत्री की नींद में भी खलल, पूजा पाठ और योग करने में दिक्कत होने की बात मंत्री जी ने कही। बिहार विधानसभा में आरजेडी विधायकों की पिटाई पर भड़के तेजस्वी यादव, ट्वीट कर कहा नीतीश को हत्या का पुराना अनुभव है, वक्त करेगा नीतीश का हिसाब।
अमेरिकी सांसदों ने बाइडेन को भारत से बेहतर संबंध बनाने की सलाह दी। चीनी खतरे को रोकना है तो भारत से मधुर संबंध जरूरी। पेट्रोल डीजल जीएसटी में लाना अगले 8 से 10 साल तक संभव नहीं है, राज्यसभा में बोले सुशील मोदी। नक्सली हमले में शहीद 5 जवानों को नारायणपुर में दी गई अंतिम विदाई, कई अधिकारी और नेता मौजूद रहे। नक्सलियों की कायराना करतूत पर एमपी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का गैर जिम्मेदाराना बयान, बोले गाइडलाइन के पालन में चूक के कारण हुई है घटना। बिहार विधान परिषद में सत्ता पक्ष और विपक्ष में हाथापाई, सीएम नीतीश और विपक्ष आमने सामने। बिहार विधानसभा में बवाल काटने के आरोप में लालू प्रसाद के दोनों बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, विधानसभा के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात। विधानसभा में हुए बवाल को लेकर विपक्ष ने विधानसभा कार्यवाही का बहिष्कार किया, विधानसभा के बाहर आंखों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन भी किया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में बिहार विधानसभा बवाल का मामला उठाया, सभी विपक्षी दलों ने घटना की निंदा की है। बिहार के मंत्री संजय झा ने विधानसभा घटना की तुलना अमेरिका के कैपिटल हिल की घटना से की है, बोले विधानसभा हिंसा की नहीं बहस की जगह है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद, पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। दिल्ली में दिनदहाड़े मोबाइल फोन स्नैचिंग, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। हरिद्वार कुंभ में जाने के लिए अब कोरोना टेस्ट जरूरी, सीएम तीरथ के ऐलान को हाईकोर्ट ने बताया गलत। देश में कोरोना का बड़ा कहर, पिछले 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा नए मामले, 275 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना केस अब 1,000 के पार चले गए हैं, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन आईएसबीटी पर होगी रैंडम टेस्टिंग, बीते 24 घंटे में यह आंकड़ा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते रफ्तार के चलते त्योहारों पर लगा ग्रहण, दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर शब ए बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगाई। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है, एक दिन में 28,699 नए केस, 132 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के बीड में कोरोना का कहर, 26 मार्च से 4 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन। कोरोना वैक्सीन को लेकर के केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे कोरोना से संक्रमित, रश्मि ठाकरे की बेटी आदित्य ठाकरे भी कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र के पुणे में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,722 नए मरीज सामने आए, जबकि 38 लोगों की कोरोना के कारण जान गई। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार उठा सकती है बड़े कदम, शिवराज सिंह चौहान बोले चलाया जा रहा है मेरी होली मेरा घर अभियान। कोरोना संकट के बीच में अब होला मोहल्ला का आगाज भी हुआ, श्री कीरतपुर साहिब में 26 मार्च तक मनाया जाएगा यह उत्सव, श्री आनंदपुर साहिब में 27-29 मार्च तक। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में चलती कार बनी आग का गोला, कार सवार ने कूद कर अपनी जान बचाई, शाहबाद कोतवाली की घटना बताई जा रही है। लखनऊ के अमीनाबाद में एक बिल्डिंग में लगी आग, आग से इलाके में हड़कंप मचा, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कानपुर में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू, भारी नुकसान की आशंका। गुजरात के वडोदरा में अगरबत्ती की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई, आग के चलते सिलेंडर में ब्लास्ट भी हुआ। यूपी के संभल में कचरे के डंपिंग ग्राउंड में लगी भीषण आग, धुएं के गुब्बार से रोड पर हादसे की आशंका। जयपुर के चौमू में इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में भीषण आग लग गई, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया, शॉर्ट सर्किट के चलते आग की आशंका। विश्व टीबी दिवस पर योगी सरकार ने 21 जिलों को दी ड्रग वेयर हाउस की सौगात, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा 2025 से पहले भारत टीबी से होगा मुक्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज किया, याचिकाकर्ता 6 अप्रैल तक कर सकते हैं चैलेंज। यूपी में अफसरों को एमपी एमएलए की कॉल रिसीव करने के लिए निर्देश जारी, मोबाइल में विधायकों सांसदों के नंबर सेव करने के निर्देश। दिल्ली में स्थित उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई, करीब 6 एकड़ जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त करवाया गया। मुजफ्फरनगर में 7 दबंगों ने एक युवक को दौड़ा दौड़ा करके पीटा, पिटाई का पूरा पिटाई के वारदात को सीसीटीवी में कैद किया गया, मामूली विवाद के चलते ये बवाल मचा। आगरा के सिकंदरा में कोचिंग सेंटर में मामूली विवाद में जमकर मारपीट हो गई, 2 लोग घायल हो गए, सीसीटीवी में घटना कैद हो गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हुआ, डबल डेकर बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई, एक दर्जन यात्री घायल हुए, पश्चिम बंगाल जा रही थी ये बस। ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को गोली लग गई, पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के पीलीभीत में ईंट भट्टे पर मजदूरी करने वाली 2 सगी बहनों की संदिग्ध हालत में मौत हुई है, पुलिस को परिवार वालों पर शक। उत्तर प्रदेश के बहराइच में घर के बाहर खेल रहे 2 बच्चों पर तेंदुए ने हमला कर दिया, दोनों बच्चों की मौके पर मौत हो गई। लखीसराय में इंसानियत शर्मसार हुई है, 2 मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ, पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार किया।
श्रीनगर में कल से खुल रहा है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, 15 लाख से ज्यादा फूल लोगों का स्वागत करेंगे। कच्चे तेल की कीमतों में 15 दिनों में 10% की गिरावट, भारत में घट सकती है कीमतें। 7 साल में आम लोगों की आमदनी सिर्फ 36% बढ़ी, लेकिन सरकार ने अपने पेट्रोल पर 220% और डीजल पर 600% से ज्यादा टैक्स वसूला है। $1 अरब से ज्यादा की 100 स्टार्टअप, $240 अरब है इनकी कुल बाजार पूंजी। 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का निलंबन, एयर बबल के तहत उड़ेंगे विमान। मारुति 72 दिन के अंदर अब दूसरी बार कीमतें बढ़ाने जा रही है, ऑल्टो 15,000 तक हो सकती है महंगी। पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 66 रनों से शिकस्त दी, भारत की इस जीत में कई रिकॉर्ड भारत ने अपने नाम किए। डेब्यू में कृणाल की दुनिया में सबसे तेज 50, पांड्या ने सिर्फ 26 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। तीसरी बार घर में भारतीय तेज गेंदबाजों में लिए 9 विकेट, कृष्णा बने डेब्यू में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज। भारतीय महिला टीम की ओपनर शेफाली वर्मा आईसीसी T20 रैंकिंग में नंबर 1 बनी है, टॉप 10 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा 3-3 खिलाड़ी हैं। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में गनीमत और अंगद ने भारत को 7वां गोल्ड मेडल दिलाया, स्किट और मिक्स्ड इवेंट के फाइनल में कजाकिस्तान को 33-29 से हराया। कोस्टा रिका में ड्रग का जखीरा पकड़ा गया है, केले के कंटेनर से 3000 किलो के ज्यादा कोकीन बरामद किए गए। एक्टर आमिर खान कोविड पॉजिटिव, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने खुद को होम क्वारंटीन किया। फिल्म थलाइवी के मुंबई ट्रेलर लॉन्च पर खूबसूरत साड़ी में दिखी कंगना रनौत, सोशल मीडिया पर हो रही है कंगना के लुक की तारीफ। सोशल मीडिया पर छाया माधुरी और वहीदा रहमान का जादू, सदाबहार गाने पर वहीदा के साथ माधुरी ने किया डांस। मलाइका ने अनोखे अंदाज में की एक्सरसाइज, गाने पर छिड़कते हुए बनाई अपनी सेहत, इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो भी। टीवी स्टार निया शर्मा का नया वीडियो सामने आया, निया ने रेड ड्रेस में डांस कर अपना जलवा बिखेरा। डबल्स के साथ खेलती नजर आई है अभिनेत्री उर्वशी रौतेला, उर्वशी ने शूटिंग के दौरान बनाया वीडियो सोशल मीडिया पर छाया। सोशल मीडिया पर छाया महिलाओं का जलवा, 4 महिलाओं ने खूबसूरत साड़ी पहनकर डांस किया, वायरल हुआ वीडियो। 2 महिलाओं ने बनाया कमाल का वीडियो, वीडियो में अलग अलग जगहों पर करतब करते दिख रही हैं महिलाएं, वीडियो ने जीत लिया लोगों का दिल। हुला हुप के साथ महिला ने दिखाया शानदार करतब, लोगों ने महिला के हुनर की काफी तारीफ की। वायरल हुआ कमाल की जादूगरी का वीडियो, शख्स ने बबल बनाकर के दूसरे शख्स को बबल में किया कैद, वीडियो देख हैरत में है लोग। सील और डॉगी ने भी के बीच कमाल की दोस्ती नजर आई, दोनों एक दूसरे के साथ खेलना पसंद कर रहे हैं, वायरल हुआ दोनों की मस्ती का वीडियो। भाई बहन का मस्ती भरा वीडियो वायरल हुआ, फर्श पर खेलते दिखे दोनों, भाई बहन की मस्ती देख लोगों ने ठहाके लगाए। जबरदस्त ठंड के बीच बर्फ में शख्स ने की स्नोबोर्डिंग, स्नोबोर्ड के साथ छलांगे लगाता दिखा शख्स। अनोखे अंदाज में शख्स ने यहां हमिंग बर्ड्स को खिलाया खाना, पंछियों ने शख्स को घेरा, वायरल हो रहा है अनोखा वीडियो।